इस वक्त एक बड़ी घटना हुई है इंदौर में। हमें जानकारी मिल रही है कि एक अधिवक्ता पर हमला हुआ है। बदमाशों ने घर में घुस गए, अधिवक्ता को गोली मारी। अधिवक्ता की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें फिलहाल लखनऊ रेफर किया गया है। बदमाश कोर्ट मैरिज का बहाना करके पहले घर के अंदर घुसे। ये कुल दो बदमाश थे जिन्होंने कोर्ट मैरिज के बहाने पहले घर में प्रवेश किया और उसके बाद अधिवक्ता पर फायर कर दिया और फरार हो गए। ये सदर कोतवाली के सिनेमा चौराहे का मामला है। रोत्रा जी उनके यहाँ पर दो व्यक्ति आए, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट मैरिज करवानी है। उनके मुंशी जो ब्रिज थे, मुंशी ने इनका सोच समझा कि वकील साहब के क्लाइंट है और इस देश में वो आए, तो जैसे ही वो ब्रिज से अंदर गए उनका कहना ये, जो उन्होंने गुड़ी की आवाज सुनी उसके बाद इन लोग भाग जाते हैं। वकील साहब को तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट कराया, वहाँ का इलाज चल रहा है, डॉक्टर की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और यहाँ से उनको रेफर करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे उनका बेहतर उपचार। बाकी इस ये लोग दो लोग कौन थे, इसके खुलासे के लिए पट्टी पट्टी लगाई है, जल्द इन दोनों को पकड़ा जाएगा। प्रथम दृष्टिया अभी क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टिया इन्होंने जो बताया है वो यही बताया है कि कोर्ट मैरिज के कराने के बहाने वो आए, ये थोड़ा समझ दीजिए, हम आपको डिटेल्स शेयर करेंगे। वगैरह लगाई, हाँ मल्टीपल टीम्स लगी, तत्काल इसमें तीन टीमें लगा दी गई, एक स्पेशल टीम लगी है जो उनके इलाज के लिए देखेगी जिससे कि जल्दी से वहाँ पहुंच जाए और वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन हम लोग कर लें लखनऊ में, जिससे इनको बेटर उपचार वहाँ मिल सके और जिससे हम इनकी लाइफ जान बचा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे अगली अपडेट पर। खबर बता रहे बड़वा से, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बड़वा में महिला समेत 5 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 12 पिस्टल और 25 कारतूस बरामद किए गए। कुछ 3,25,000 रुपए के हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं। आरोपियों के पास से जो कुल जब्त शुदा मशरूका है उसकी कीमत कुछ 13,25,000 बताई जा रही है।